हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन इन प्लांट्स रिजल्ट्स इन इनब्रीडिंग रिप्रेशन। एक्सप्लेन इन थ्री आउटब्रीडिंग डिवाइसेस डेवलप्ड बाय प्लांट्स इटसेल्फ टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या है, चलिए देखते हैं। की कॉन्सेप्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स पॉलिनेशन टेकिंग बिटवीन द फीमेल एंड मेल पार्ट ऑफ द प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। ओके, मतलब सेम प्लांट में वो जो फीमेल और मेल पार्ट है उसका पॉलिनेशन हो रहा है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब कि जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, वो इट डजंट हैव एनी जेनेटिक वेरिएशन। ओके, इट विल बी ऑफ द सेम स्पीसीज। जब मेल और फीमेल दोनों ही सेम स्पीसीज का है तब नो वेरिएशन होता है। सो सिंस देयर इज नो वेरिएशन टेकिंग प्लेस, इट कॉजेस कॉजेस इनब्रीडिंग डिप्रेशन। नाउ इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है, इट बेसिकली लीड्स टू reduced growth rate, lower seed production, decreased plant vigor। मतलब सेल्फ पॉलिनेशन एक दो बार ठीक है, लेकिन अगर बार बार कंटिन्यूसली हो जाए तो इनब्रीडिंग एक डिप्रेशन क्रिएट होता है। मतलब कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं आ रहा है, मतलब उससे क्या होता है, देर इज डिक्रीज्ड फिटनेस इन द प्लांट। ठीक है, दिस इज डिक्रीज फिटनेस इन द प्लांट, मतलब इंक्रीज इन होमोजाइगोसिटी, नो हेट्रोजाइगस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, लॉस ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी टेक्स प्लेस। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारे प्लांट्स में एक आउटब्रीडिंग डिवाइसेस खुद प्लांट्स ने प्रोड्यूस किया, मतलब एक मैकेनिज्म टू अवॉइड, हाउ टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये प्लांट्स का खुद का मैकेनिज्म है, दे आर डिजाइन इन सच वे। ओके, तो टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, चलिए देखते हैं। सो एनी थ्री आउट ब्रीडिंग devices, number one is self incompatibility। इधर क्या होता है, एक अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो भी जाए तो दे आर नॉट इनकॉम्पेटिबल फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ इट्स ओवम। ओके, अगर वो लोग सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए तब भी वो कॉम्पेटिबल नहीं है फॉर फर्टिलाइजेशन। तो दिस इज बेसिकली मैकेनिज्म टू प्रोमोट क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज डायोशी डायोशियसिस। सो दिस इज बेसिकली वेयर मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड इन सेपरेट इंडिविजुअल, इन सेपरेट प्लांट्स, नॉट ऑफ द सेम स्पीसीज, ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। ओके, दिस इज वन वे ऑल्सो टू प्रोमोट क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, मेल अलग प्लांट में प्रोड्यूस होता है, फीमेल अलग प्लांट में प्रोड्यूस होता है, ताकि एक जेनेटिक वेरिएशन रहे जब उसका प्रोडक्ट पर होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, एंड नंबर थ्री इज मोनोशियसनेस विथ स्पेशल सेपरेशन। मतलब मोनोशियस मतलब मेल एंड प्लांट, मेल एंड फीमेल इज प्रोड्यूस्ड, मेल एंड फीमेल पार्ट जो है वो सेम प्लांट में प्रोड्यूस है। ठीक है, हुआ है तो उसके मतलब सेल्फ पॉलिनेशन का चांसेस ज्यादा है, लेकिन ड्यू टू स्पेशल सेपरेशन मतलब ऐसा कुछ तरीका हुआ है लाइक मेल एंड फीमेल आर लोकेटेड इन डिफरेंट पोजिशन ऑफ द प्लांट, ताकि आसानी से सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। अनदर वन इज लाइक मेल एंड फीमेल parts of the plant bloom at different times of the year to prevent self pollination। ठीक है, ये तीनों हमने मेंशन किया, लेकिन और भी है जैसे कि apomaxis and all। ठीक है, तो वो हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे। सो होप यू हैव अंडरस्टूड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।